भगवान शिव के 10 शक्तिशाली उपदेश जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देंगे अवश्य सुनें। भगवान शिव ने अलग अलग अवसरों पर माता पार्वती को कई पाठ पढ़ाए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जीवन के 10 महान पाठ साझा किए जो हर इंसान के लिए आवश्यक हैं और उनका पालन करना चाहिए और बिना असफल हुए उनका पालन करना चाहिए। 1. सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा पाप। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा, तो शिव ने संस्कृत के एक श्लोक के साथ उत्तर दिया, नास्ति सत्यत् परोनानुरतात् पाटन परम। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सदा सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाएं। 2. अपने प्रलोभनों को मत सुनो। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा, तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। 1. आँखों की वासना का अर्थ है भौतिकवाद, यह विश्वास कि धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। 2. शरीर की वासना का अर्थ है सुखवाद, यह विश्वास कि जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। 3. जीवन का गौरव का अर्थ है अहंकार, अपने बारे में बहुत अधिक सोचना, ये सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीजों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। 3. शक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इसे इस मानव रूप की अस्थायिता को समझें। 4. अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। शिव ने पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त या संबद्ध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वो उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। 5. अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी भी चीज के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज्यादा इच्छा न करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। 6. समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। 7. अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तो भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं या उनकी सलाह ले वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं।
आपका अहंकार संभावित रूप से आपकी सफलता में बाधा बन सकता है और यदि आप किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन को अस्वीकार करते रहते हैं तो आप खो सकते हैं। भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीवन जीने का उपदेश देते हैं क्योंकि अहंकार कहीं नहीं जाता है लेकिन ये आपको स्वयं से दूर ले जाता है। 8. भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं। आध्यात्मिक आयाम होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। 9. एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वह उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। 10. समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही समय है दुनिया की सबसे कीमती चीज। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चय होना चाहिए।